6/2024 को यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एलाइट बैंक चिनार रोड वहाँ पे डकैत आए मुसल्ला और वो बैंक से रकम लूट कर फरार हो गए। तो जैसे ही वकूअ रुनुमा हुआ उसके फौरन बाद हमने पूरी मेहनत शुरू की और मानसेरा पुलिस की ऑपरेशनल फोर्स में से और इन्वेस्टिगेशन फोर्स में से जो काबिल तरीन माहिर हमारे अफसर थे उनकी एक स्पेशल टीम मैंने कंस्टिट्यूट की और उन्होंने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आज एक महीना पूरा हो गया है। एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने वकूआ ट्रेस किया, तकनीकी टीम भी हमारी उनके साथ थी, टेक्निकल बुनियादों पे भी उन्होंने पूरी मेहनत की इनके साथ मिलके वकूए को ट्रेस किया और वकूए में जो हमारे चार मुलजमान थे जिनमें से दो मेन थे जिनकी वो फुटेजेस भी आई थी, मोहम्मद इकबाल सनफ ज़रीफ और सदाम कबीर, सदाम कबीर रावलकोट कश्मीर और ये इकबाल जुदबा तोरगर, वो जो बैंक के अंदर गए थे एक पिस्टल की नोक पे अमले को यरगमाल करके उधर वो घूम फिर रहा था और दूसरा रकम इकट्ठी कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दो मेन मुलजमान वो भी हमारी टीम ने सक्सेसफुली अरेस्ट कर लिए। उनके अलावा इनके साथ जो शरीक मुलजमान थे इनके अजीज और रियाज, ये दोनों ये भी गिरफ्तार हो गए। एक इनका जो पांचवा मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी कोशिश शुरू है और इसके साथ साथ 84 लाख रुपए की खतीर रकम वो भी सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने रिकवर कर ली। वकूए में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ वो भी रिकवर हो गया और जिस पिस्टल की नोक पे जो मुलजिम इकबाल ने इस्तेमाल किया और डकैती की वो पिस्टल भी रिकवर हो गया और साथ में इसी रकम में से जो कि थोड़ी बकाया रकम थी इन्होंने जो एक मोटरसाइकिल ख़रीदा था वो भी रिकवर हो गया। तो चारों मुलजमान 84 लाख की रकम, वो कुएं में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल, वो कुएं में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल और वो कुएं की रकम से ख़रीदी गई एक मोटरसाइकिल, वो सारी सक्सेसफुली रिकवर हो चुकी है। जब हम एक महीने का टाइम ना लगाते, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था तो उसमें टेक्निकली वो हम बिल्कुल वो हो गए थे, हम ना जियो फेंसिंग पे जा सकते थे, ना लोकेशनें मिल रही थी, ना हमें वो, तो उस वजह से थोड़ा इस पर टाइम मिल गया। तो जैसे ही वो कोर्ट से वो रिलैक्स हुआ तो वो सी डी आ रहे और सारे जब हमने इनकी ए पार्टी बी पार्टी वो सारी हमारी टीमों ने की तो उसके बाद सारों को इकट्ठा करके तो प्लानिंग इनकी यहाँ पे मानसेरा में जो दो मेन मुलजमान थे इन्होंने की थी। उस वजह से फिर पूरा जितना हमारा नेटवर्क था जैसलमेर जिले जितने भी थे उनके तमाम डीपीओस के साथ हमारा इंटरेक्शन था, सबसे हमने हेल्प ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल एक्चुअल कल्प्रेट थे वो आ गए और उनको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे देखें आपकी नस्ल ख़राब होती है, आपकी यूथ ख़राब होती है कि वो देख लेते हैं कितने आसानी से दो बंदे आए और बैंक में वो रकम लूट रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज ज़रूरी समझी कि आपके ज़रिए एक मैसेज उनको पहुँचे कि जो भी क्राइम करेगा इंशाल्लाह मानसेरा की पुलिस जो है वो उससे बेखबर नहीं है, मानसेरा की पुलिस उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगी और मुझे अपनी टीम पे फख्र है और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बड़ा वाकया था, इसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी।